अब मैथिली और भोजपुरी बोलने वाले लोग भी गूगल ट्रांसलेट का लाभ उठा सकते हैं। बता दें कि गूगल ने 11 मई से भोजपुरी, मैथिली सहित 7 भारतीय भाषाओं में यह सुविधा शुरू कर दी है। गूगल ट्रांसलेट की मदद से यूजर किसी भी भाषा को अपनी स्थानीय भाषा में अनुवाद कर सकते हैं। गूगल ने 11 मई से अपने ट्रांसलेशन टूल में 7 भारतीय भाषाओं के साथ 24 नई भाषाओं को जोड़ा है। इसमें मैथिली, भोजपुरी, संस्कृति, असमिया, कोकनी, मणिपुर की भाषा, मिजो शामिल हो गई है। अब ट्रांसलेशन टूल में विश्व के 157 भाषाओं में अनुवाद हो सकता है। पहले यह संख्या 133 थी। तो भोजपुरी और मैथिली भाषी क्षेत्रों के लिए बड़ी खबर है, ख़ास तौर पे जो लोग इन क्षेत्रों से बिलोंग करते हैं और बाहर रहते हैं और इस भाषा को नहीं जान पाते हैं, नहीं पहचान पाते हैं, उस भाषा में नहीं बोल सकते हैं, तो उनके लिए गूगल ने एक उपहार दिया है और गूगल ट्रांसलेट के माध्यम से वो लोग भोजपुरी और मगही में चीज़ों को ट्रांसलेट कर अपने स्थानीय भाषा में उपयोग कर सकते हैं। अब बता दें कि इसको लेकर भोजपुरी के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव ने भी अपने पोस्ट पे कई बातें जो है वो लिखे हैं। साफ तौर पे खेसारी लाल यादव ने लिखा है कि आज भोजपुरी के गूगल ट्रांसलेट में देख के अच्छा लागल, ये वो और भारतीय भाषा के दुनिया में पहचान मिलल। भोजपुरी वासिन के बधाई, जल्द ही उदीन आए जब भोजपुरी के भारत में भी पहचान मिली और 8वीं अनुसूची में जुड़ल जाए। बस भोजपुरी में आवाज़ बुलंद होते रहो, भोजपुरी बमकी और पूरी दुनिया जो है वो गमकी। बेशक 8वीं अनुसूची में भोजपुरी भाषा को शामिल नहीं किया गया हो, लेकिन गूगल ने ट्रांसलेट टूल में बदलाव करते हुए कई भाषाओं को जोड़ा है, जिसमें मुख्य रूप से बिहार की 2 भाषा भोजपुरी और मगही, चूँकि इन ये भाषा जो है वो गूगल में नहीं था, ट्रांसलेट आप नहीं कर सकते थे, लेकिन इन दोनों भाषाओं को जगह दिया गया है ताकि जो लोग हैं जो इन भाषाओं को नहीं जानते हैं और उनका कम्युनिकेशन गैप हो जाता है, तो ऐसे में गूगल ने जो बदलाव किया है तो वो लोग भी अब अपने क्षेत्रीय भाषाओं को ट्रांसलेट कर सकते हैं। भोजपुरी और मैथिली वासियों के लिए खुशखबरी है कि गूगल ने बड़ा बदलाव करते हुए भोजपुरी और मैथिली दोनों को गूगल ट्रांसलेट में शामिल किया है। देखिए, भोजपुरी में इन दिनों अश्लीलता की बात हो रही है, भोजपुरी की चर्चा पूरे देश में हो रही है, कई स्टार, सुपरस्टार, पावर स्टार इसके जिम्मेवार भी हैं और खेसारी लाल यादव ने भी कई बातों का जिक्र किया और कहा है कि भोजपुरी वासी लोगों को बधाई, जल्द ही हम लोग एक नया बड़ी मुकाम हासिल करेंगे। अपने भाषाओं को लेकर धीरे धीरे पहचान जो है वो बढ़ती जा रही है। बस भोजपुरी में आवाज़ बुलंद होत रहो, भोजपुरी बमकी आ पूरी दुनिया जो है वो गमकी। भोजपुरी का बेशक इन दिनों विस्तार हुआ है, लेकिन अगर आज आप देश के अलग अलग कोनों में जाएं, अलग अलग राज्यों में जाएं, तो भोजपुरी की पहचान महज भोजपुरी मतलब अश्लीलता, अश्लीलता मतलब भोजपुरी के तौर पर हो गई है, क्योंकि अब वो भोजपुरी नहीं रही जो भोजपुरी घर के 4 दीवारियों के अंदर सुनी जाती थी, बोली जाती थी, क्योंकि इन दिनों इंडस्ट्री के लोग इतने बड़े पैमाने पर अश्लीलता परोस रहे हैं, तो ऐसे में कोई भी व्यक्ति माँ बहन बेटी के साथ बैठकर भोजपुरी गानों को नहीं सुन सकता है। हालांकि ये बात सभी गानों पर लागू नहीं होता है, बहुत सारे चीज़ अच्छाइयाँ भी हैं, लेकिन मैक्सिमम जो है इन दिनों जो गाने आ रहे हैं, एक प्रचलन सा हो गया है कि कुछ भी गा दीजिए और लाइट में आ जाइए, तो ऐसे में इसका प्रचलन जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसका मुख्य कारण बड़े बड़े स्टार हो, चाहे पवन सिंह हो या खेसारी लाल यादव हो या तमाम स्टारों के नाम ले लिया जाए। लेकिन खैर, भोजपुरी और मैथिली भाषी क्षेत्रों के लिए, लोगों के लिए और जो उस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, जो अपनी ही भाषा को नहीं जानते हैं, तो उनके लिए एक गूगल ने एक आसान तरीका अपनाया है और उन्हें गूगल ट्रांसलेट टूल में दोनों भाषाओं को जोड़ दिया है, ताकि जो लोग हैं वो स्थानीय भाषा को कन्वर्ट कर सकते हैं। खेसारी लाल यादव ने इसको लेकर खुशी जाहिर की है और भोजपुरी वासी को बधाई दिया है।